हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो ये क्लॉस्ट्रिडियम की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो परफिंजेस ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। ये लास्ट वीडियो है जिसमें लैब डायग्नोसिस कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में तो हम, मतलब इससे पहले वाली वीडियोस में हम इसके पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, जो भी इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट अब लैब डायग्नोसिस बची है और बाकी एक डिटेल्ड लेक्चर गैस गैंग्रीन पर बचा है, वो भी हम उसको जल्दी अपलोड कर देंगे। तो लैब डायग्नोसिस मैं जब हमें जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसकी डायग्नोसिस कराते हैं लैब, मतलब लैब में जाके उसके टेस्ट कराते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो यही आज इसमें डिस्कस करेंगे। क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस अगर होगा तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसमें हमें चार स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहले तो हमें सैंपल लेना पड़ता है, फिर हमें उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है, फिर हमें उसको कल्चर करना पड़ता है और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो सैंपल कलेक्शन में हम उसके जो मसल्स जो होंगे उसके फ्रेगमेंट्स लेंगे। जैसे जहाँ पे भी एरिया जो डैमेज हुआ है हम उसका वहाँ से सैंपल लेंगे। और ये नहीं कि हम उसको ऐसे ही ऊपर ऊपर से उसको रब कर लें या उसका वहाँ से उसको थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा पार्ट उठा लिया, ऐसे नहीं। हमें उसको डीप से जाके जो उसका पस फॉर्मेशन होता होगा, हमें उससे वहाँ से मतलब फ्लूइड लेना है या उसका टिश्यू लेना है। हमें उससे वहाँ जाके डीपर साइड से हमें उसका सैंपल लेना है, ठीक है, इन्फेक्शन का, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब वो एक्टिवेट होती है, ठीक है, एक्टिव साइट होती है वहाँ की। तो हमें उससे रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसपोर्ट हम इसको करते हैं, जैसे कि अब उसको हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है कि जिससे उसकी जो सैंपल है उसमें जो अगर अगर वो इन्फेक्शन जो कर रहे हैं, जो भी पैरासाइट्स उसमें इन्फेक्शन कर रहे हैं, हमें उसको एनवायरनमेंट देना होगा उनके हिसाब से। तो हमें उसको एनारोबिक एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है और उसको RCM मीडियम में उसको रख के फिर हमें उसको लैब में हमें जल्दी से उसे पहुंचाना होता है। तो RCM मीडियम हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसे मतलब इसमें एनारोबिक एनवायरनमेंट देना होता है। उसमें मीट इसमें डाली जाती है जो कि थायोग्लाइकोलेट एक मीडियम होता है। वो सब एक डिटेल मतलब डिटेल में हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम इसे ग्राम स्टेन स्मियर में इसको देखते हैं, जिससे पता चलती है ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, तो हमें आइडिया हो जाता है। और हम इसे डिफ्रेंशिएट, मतलब हम इसमें स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि है ना, कि ये मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये इस स्पीशीज़ का है। अगर हमें परफ्रिंजेस हुई तो हमें क्या दिखेगा, वो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई तो होंगे क्योंकि हम ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, तो हमें इससे पता चल जाएगी ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। और हमें उसकी मॉर्फोलॉजी में मतलब स्पोर्स होंगे या नहीं होंगे, तो परफिंजिस में उसमें स्पोर्स नहीं दिखेंगे और वो थिक दिखेंगे और वो उसमें बॉक्स कार शेप दिखेगी, मतलब वो ब्रिक शेप्ड के दिखेंगे। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अगर ये इसमें दिख रहा है, मतलब उस जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं स्मेयर में, अगर हमको ये दिख रहा है तो हाँ, चांसेस हैं कि परफ्रिंजेस है। अगर इसके अलावा हमें ये चीज़ नहीं दिखती और हमें दूसरी चीज़ दिखती है, जैसे सिट्रोन बॉडीज दिखती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो वो सेप्टिकम भी हो सकता है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्पीशीज़ परफ्रिंजेस है, सेप्टिकम है, डेफिसिल है। हम इसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसको डिस्कस कर सकते हैं, वो आइडिया ले सकते हैं। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम इसलिए इसको यूज़ मतलब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम इसलिए करते हैं। तो अब हमें जब हमारे पास सैंपल है तो हमें उसको कल्चर भी कराना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी पड़ेगी जिससे हम उसको एग्जामिन कर सकें, जिससे हम उसको टेस्ट कर सकें। तो कल्चर करने के लिए हमें उसका एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो उसमें जो सैंपल लेते हैं हम, तो या तो हम उसको फ्रेश ब्लड अगार में रखते हैं या नियोमाइसिन ब्लड अगार में रखते हैं या RCM मीडियम में रखते हैं, जिससे कि उसको ज़िंदा रखना है, उसकी ग्रोथ करानी है या उसको कल्चर कराना है, तो हम इन चीज़ों में उसको ग्रोथ या उसको सर्वाइव रख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड अगार और नियोमाइसिन ब्लड अगार में हम क्या करते हैं कि उसको इंक्यूबेट कराते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है वो एनएरोबिक होता है, क्योंकि वो विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस में 48 to 70 आवर्स में रखेंगे
तक रखेंगे, जिससे कि वो कल्चर हो सके, वो उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिले। और जब ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी तो हम फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट हैं, तो टारगेट हीमोलिसिस हम करते हैं, नगलर्स रिएक्शन टेस्ट होता है एक, वो करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है, और रिवर्स कैम्प टेस्ट भी करते हैं, और हीट टॉलरेंस टेस्ट और लिटमस मिल्क टेस्ट भी करते हैं। ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होते हैं, हम इसको इससे पहचान सकते हैं। तो टारगेट हीमोलिसिस में क्या होता है कि टारगेट हीमोलिसिस डबल जोन हीमोलिसिस इसको बोलते हैं। इसमें हम ब्लड अगार में इसको कल्चर कर मतलब ब्लड अगार में इसको देखते हैं, ब्लड अगार में इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस होगा तो फिर वहाँ पे दो जोन हमको दिखेंगे, इनर जोन दिखेगा और आउटर जोन दिखेगा। हम कल्चर करने के बाद आइडेंटिफाई भी करेंगे तो उसको तो उसकी हीमोलिसिस करा देंगे, तो उसमें दो जोन होंगे, एक तो इनकम्प्लीट हीमोलिसिस होगी और एक कम्प्लीट हीमोलिसिस होगी। तो इनकम्प्लीट हीमोलिसिस जो कि एक आउटर जोन में होती है, देखिए ये ऑरेंज ऑरेंज जो है ये आउटर जोन है, ये ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट हेमोलिसिस है और ये हमें ज़्यादा ज़्यादा में दिखेगी, मतलब एक वाइडर रेंज में दिखेगी हमको। और जो इसके अंदर है जो रेड रेड, वो कम्प्लीट हेमोलिसिस है जो कि हमें अंदर की तरफ दिखेगी और वो बहुत नैरो होगी, मतलब वो बहुत कमी होगी। तो इसकी हेमोलिसिस कराएंगे तो हमें दो जोन दिखेंगे, एक तो नैरो जोन और एक वाइडर जोन। इनर वाला जोन जो होगा वो कम्प्लीट हेमोलिसिस कराएगा और जो कि थीटा टॉक्सिन की वजह से होता है, ठीक है, और जो आउटर जोन होगा वो इनकम्प्लीट हिमोलिसिस की वजह से होगा और जो कि अल्फा टॉक्सिन कराता है, ठीक है। तो यही है इसमें ज़्यादा मतलब टारगेट हिमोलिसिस में तो यही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नगलर्स रिएक्शन क्या होता है। नगलर्स रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि शॉर्ट नोट्स में भी आता है और इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए नगलर्स रिएक्शन में, बाकी थ्योरी हम बाद में देखेंगे। नगलर्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम पर एक डिश होती है, ठीक है, प्लेट होती है, डिश ले लीजिए, तो जिसमें हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिश को, एक तो जोन ए हो गया, एक जोन बी हो गया। तो उसमें फिर हम उसको जो हमारा सैंपल होगा हम उसको ऐसे स्ट्रीक्स बनाएंगे, हम लाइन बना देंगे उसके सैंपल्स की। तो ऐसे करके हमने दोनों जोन में उस सैंपल को ऐसे स्प्रेड कर दिया, ठीक है, तो स्प्रेड कर दिया। तो फिर ए में क्या होगा और बी में क्या होगा, पहले हम इसमें एक साइड में हम एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन भी स्प्रेड कर देंगे, एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन भी स्प्रेड कर देंगे, और इसमें हम एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन मतलब इसको हम विदाउट एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन रखेंगे, इसमें हम कुछ स्प्रेड नहीं करते, हम इसमें जैसा जैसी मीडियम है वैसे हम उसको रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये तो एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन हमने रिलीज़ कर दिया और ये विदाउट एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हो गए हमारे सैंपल जो कि हमें लगता है कि क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस के हैं, अगर होंगे तो हमें इसकी एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल जाएगी अल्फ़ा टॉक्सिन वाली, वो हम देखते हैं कैसे। तो क्या होगा कि जब हम इसको इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे और 24 से 48 आवर के लिए अगर हम इनक्यूबेट करेंगे तो क्या हमको यहाँ पे एक्टिविटी कैसी दिखाई देगी। जो एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन जोन है वो तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद ये जो बी जोन है जो कि विदाउट एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन है वो थोड़ा स्प्रेड करने लग जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप उसको जोन ऑफ ओपेसिटी मतलब यहाँ पे हमें ओपेसिटी दिखाई देगी, यहाँ पे ओपेलेसेंस जैसा एरिया हो जाता है जो कि धुंधला धुंधला सा होता है, हमें उसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब ये कि आपको दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ कोई एक्टिविटी होती है, ये स्प्रेड करने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो लेसिथिन है वो टूट रहा होता है, यहाँ पे डिग्रेड होता हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे लेसिथिनेज एंजाइम रिलीज करते हैं अल्फ़ा टॉक्सिन, लेसिथिनेज वाली एक्टिविटी शो करती है, तो ये डाइसैक्राइड में टूट रहा होगा, ठीक है। तो ये जोन बी में हमको सारी की सारी एक्टिविटी दिख रही होगी। अब यहाँ पे एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन है तो यहाँ पे तो ये अल्फ़ा टॉक्सिन अगर ये रिलीज़ करेंगे क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजिस, अगर यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं तो ये रिलीज़ करेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज़ कर देगी एंटी अल्फ़ा टॉक्सिन, तो यहाँ पे तो हमें कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ ये अल्फ़ा टॉक्सिन की वजह से हो रहा है जो कि अल्फ़ा टॉक्सिन परफिंजिस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो यही सब इसमें होना होता है, बाकी सब तो आप इसमें आप समझ ही जाएंगे।
देखिए क्या होता है कि लेसिथिनेज एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि परफेरेंजेस लेसिथिन जो अल्फा अल्फा टॉक्सिन रिलीज करते हैं वो लेसिथिन को ब्रेक डाउन करते हैं लेसिथिनेज, ठीक है। तो इसको हम लेसिथिनेज टेस्ट भी बोलते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट करता है क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजेस को दूसरी स्पीशीज से। तो हम एक मीडियम मीडियम वो करेंगे, या तो ह्यूमन सीरम होगा, 20% ह्यूमन सीरम लेते हैं, या फिर 5% एग योक लेते हैं, ठीक है। उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 से 40 37 डिग्री में टू 24 से 48 आवर्स तक, जिसमें हमें दो जोन दिखाई देंगे, वो सब यही है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि ओपेलेसेंस, मतलब ये थोड़ा स्प्रेड स्प्रेड से दिखाई देने लग गया है, और यहाँ पे ये विदाउट अल्फा टॉक्सिन जो है, और ये एंटी अल्फा टॉक्सिन यहाँ पे स्प्रेड किया गया है, तो यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमें ओपेलेसेंस ओपेसिटी हमें शो हो रही है। ऐसे यहाँ पे ये हमने पूरा प्रोसेस जो अभी बताया है कि यहाँ पे हम इसको स्ट्रीक्स में मतलब डिवाइड कर लेंगे, ए और बी में, और फिर हम इसको सैंपल को हम स्प्रेड कर देंगे ऐसे स्ट्रीक्स में, जो कि ये दोनों जोन में हो गया। यहाँ पे हम एंटी अल्फा टॉक्सिन डाल देंगे, यहाँ पे हम उसको, यहाँ पे एंटी अल्फा टॉक्सिन डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे, यहाँ पे हम इसको विदाउट एंटी अल्फा टॉक्सिन रहने देंगे। तो हमें इसको, हमें ऐसी ऐसे कुछ हमको दिखाई देगा, तो ये हमको ओपेसिटी मतलब कुछ एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही होती है कि यहाँ पे लेसिथिन का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और यहाँ पे तो एंटी अल्फा टॉक्सिन से ये न्यूट्रलाइज हो ही गया। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है। तो जोन ए में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई कॉलोनी फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई ओपेसिटी ओपेसिटी हमको नहीं दिखेगी। और जोन बी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मेशन हो रहा है, और ओपेसिटी डेवलप हो रही है। ये पूरा 5 मार्क्स में हमको पूरा डिटेल में डिस्कस करना होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डिटेल में समझा रहे हैं, वरना नेम से ही सब काम हो जाता। तो इसको हम देख लेते हैं पूरा प्रोसेस एक बार, कि इसको हम अगार मीडियम में ग्रो करते हैं, और 20% ह्यूमन सीरम या फिर 5% एग योक, वो जो मीडियम होता है वो कंटेन करता है। प्रिंसिपल इसका यही होता है कि जो हमें कॉलोनीज फॉर्मेशन दिखती हैं, तो उसमें लेसिथिनेज एक्टिविटी हो रही होती है अल्फा टॉक्सिन की, जो कि लिपिड डिपोजिशन हो रहा होता है, मतलब डाइसेक्राइड में वो टूट रहा होता है, जिसकी वजह से ओपेसिटी डेवलप होती है। अल्फा टॉक्सिन लेसिथिनेज एक्टिविटी कॉज करता है, शो करता है, तो लेसिथिन जो होगा वो डाइग्लिसराइड में टूटेगा, और फिर वो कॉलोनीज के कॉलोनी मतलब वो उसकी कॉलोनीज पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ओपेसिटी हमको दिखाई देती है। प्रोसीजर तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हाफ प्लेट पर उसको एंटी अल्फा टॉक्सिन स्प्रेड करना होता है, हाफ प्लेट पर उसको नहीं करना होता, और उसको 37 डिग्री पे हमको इनक्यूबेट करना होता है, और 24 आवर्स के लिए। रिजल्ट तो यही होते हैं कि जो जो अल्फा टॉक्सिन हमने जहाँ पे अल्फा टॉक्सिन नहीं है वहाँ पे ओपेसिटी हमको दिखेगी, और जहाँ पे एंटी अल्फा टॉक्सिन है वहाँ पे, सॉरी यही है कि नो, जहाँ पे एंटी अल्फा टॉक्सिन नहीं है तो वहाँ पे हमको, जहाँ पे एंटी अल्फा टॉक्सिन नहीं है वहाँ पे हमको ओपेसिटी दिखेगी, और जहाँ पे है वहाँ पे कोई ओपेसिटी हमको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये इसका रिजल्ट हो गया। एक हम रिवर्स कैम टेस्ट भी करते हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं कि हम इसको ब्लड अगार पे परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बीच में हम स्प्रेड कर देंगे, ये क्लॉस्ट जो हमारा वो होगा सैंपल होगा, हम उसको बीच में स्प्रेड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम एगलेक्टेई स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टेई की स्ट्रीक बना देंगे, और फिर क्या होगा, उसको उसके एनवायरनमेंट में रखने के बाद, ठीक है, थोड़ी मतलब उसको उसका सुइटेबल एनवायरनमेंट देने के बाद यहाँ पे एरो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी हम रखते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो यहाँ पे भी एरो फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हमें, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ ये क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस है। तो ये भी एक स्पीशीज़ डिफ्रेंशिएट के लिए होता है। तो ये क्या होता है कि हम इसको सेंटर में क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस की स्ट्रीक बनाते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टेई को हम परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि एरो फॉर्मेशन होने लगता है, ये पहले नहीं होगा, ये बाद में होगा, एरो फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि हिमोलिसिस की वजह से होता है, और इंडिकेट करता है कि हाँ टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा लैब डायग्नोसिस,
बाकी हमारी क्लॉस्ट्रिडियम की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, बस एक गैस गैंग्रीन रह गया है, वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आपको कैसा लगा लेक्चर तो आप बताइएगा, और है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शो योर लव टू आवर चैनल, थैंक यू।